आदाब नाजरीन, कुछ देर पहले हमने एक खबर चलाई थी जिसमें बताया गया था कि एक खातून के ऊपर एक शख्स ने चाकुओं से हमला कर दिया। उसके ऊपर मज़ीद तफसलात निकल कर सामने ये आई है कि जिस शख्स ने हमला किया था वो एक तरफा आशिक था वो खातून का, और वो खातून की उम्र 45 साल बताई जा रही है, जो कि एक बेवा औरत है जिनके बच्चियों की भी शादी हो चुकी है। ऐसी खातून के पीछे ये शख्स पड़ा हुआ था जिसकी शनाख्त शेख हबीब के नाम से की जा रही है, जिससे इसने काफ़ी वर्षे पहले भी इस खातून को काफ़ी तंग किया था, जिसके पीछे आया करता था। उसके बाद इसकी इत्तला पुलिस में दी गई, पुलिस की तरफ से सही कार्रवाई ना होने पर इसकी हिम्मत आज इतनी बढ़ गई है कि दिन दहाड़े बीच रोड पर, जैसे आप सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं, ये रोड क्रॉस कर रही थी खातून और उसके ऊपर उसने तेज़धार हथियारों से हमला करके उन्हें लहूलुहान कर दिया और उन्हें मरने के लिए वहाँ छोड़कर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। इस खातून के बेटी और उनके देवर ने मीडिया के सामने आकर तमाम तर तफसलात बताई है। बताया ये जा रहा है कि ये खातून एक बेवा औरत है जिनके शोहर माजी में एक केबल ऑपरेटर का काम किया करते थे। अब आगे देखने में ये आएगा कि कानून इसके ऊपर कितनी जल्दी अपना शिकंजा कसता है, क्योंकि इसने दिन दहाड़े इस तरह की हरकत करके लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिश की है, जिसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग हो रही है। सुनिएगा मजीद तफसलात खातून की बेटी और देवर की जुबानी। आगे आने वाले तमाम इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा। वीडियो पर ये जो हबीब था हमारे घर के पास रहता था, वो मम्मी को कितने के दिन से तंग कर रहा था, बहुत हरासमेंट कर रहा था, जान जाने वहाँ स्टॉक कर रहा था। एक कंप्लेंट दिए भी हम लोग हमारे नियर यहाँ पर पुलिस स्टेशन में और दूसरी जगह भी, तीन बार कंप्लेंट दिए, तीन बार भी केस फाइल करे, मगर कुछ भी एक्शन नहीं लिए वहाँ पे। यहाँ हमारे मोहल्ले के जो भी थे लोग, बड़े लोगों को भी बोले पर फिर भी नहीं सुने लोग, कुछ भी ना हुआ। मम्मी मेरे दीदी के पास से जाके आ रहे थे, फिर भी ऐसा मर्डर केस कर दिए। चचेरे भाई उन लोग हमें कुछ कर रहे थे, उन लोग उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे, उन लोगों के ऊपर केस फाइल हो गया, उन लोग को जेल में डालने वाले थे, ऐसा हुआ ये सब। आपके मम्मी की उम्र क्या रहती है? 45 है। कितने बहना भाई हैं आप लोग? हम लोग 4 बहना 2 भाइया हैं। इससे पहले कभी शिकायत करे आप लोग पुलिस स्टेशन में? 3 बार करे जाके। ऐसा क्या रिस्पांस मिला पुलिस स्टेशन? कुछ भी रिस्पांस नहीं मिला, जब का जब लेके गए फिर छोड़ दिए। पापा क्या करते हैं आपके? पापा का इंतकाल हो गया। हाँ, केबल ऑपरेटर थे उन्होंने। वन ईयर से चल रहा, कितने की बार बोले भी, मोहल्ले वाले भी रोकने की कोशिश करे पर कुछ नहीं, रुक रहा ही नहीं था। कंप्लेंट करने में पुलिस वाले कोई एक्शन नहीं लिया और उन्हें एक बार जाके कंप्लेंट करा, हाथ को गया बोल के नीचे लाया, लाके छुड़ा के करा हम लोगों के ऊपर। मम्मी की कंडीशन बहुत सीरियस है, पूरा सर वही खुल गया, हाथ वही टूट गया, पूरा सत्तूर से मारे गए थे पूरा। उसका नाम शेख हबीब नाम है, उसको शेख नसीरुद्दीन के नाम से जानते हो। उन्हें क्या करते काम? नहीं मालूम, बेकार फिरता गया, वहाँ औरतों के पीछे रहता। आपके वाला का नाम क्या है? नूर बानू। मस्जिद साले के पास घर में शादी शुदा है? नहीं नहीं है, नहीं है उन्होंने। मैरिड है? हाँ। उनकी एज क्या रहती? 48-50 होंगे। नहीं 30 होंगे, 30-32 होंगे, 30-32 साल होंगे। ठीक है तो जी, मेरा नाम सैयद एजाज मेहदी है, मैं बाबा नगर के बोला बैठ रहा हूँ। मैं कई दिन से हम लोग एक शख्स के कंप्लेंट लिखा रहे थे जिसका नाम है शेख हबीब के नाम से पहचानते हैं, उसका नाम शेख नसीरुद्दीन है। आईडी के ऊपर कई बार कंप्लेंट करा रहे हम लोग, कोई एक्शन नहीं ले रहे उसके ऊपर पुलिस वाले। अगर हम लोग लिखा के करके बात करने के बाद में भी हो गया जाओ बोल के भेजते चले गए हम लोग को। बात की कंप्लेंट करा रहे हैं आप? जी साहब, खाली बिली हरासमेंट कर रहा हूँ, हमारी भावज को हरासमेंट कर रहा था, जिसका नाम नूर बानो है, जो आज उनका मर्डर हो गया, अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया। इसके लिए अभी अवेसी हॉस्पिटल में है, सीरियस है। कितने दिन से चल रहा है ये? 1.5 साल से चल रहा है। क्या वजह हो सकती है? नहीं पता हम। हरासमेंट की वजह से कर रहा हूँ, वजह हरासमेंट कर रहा, जबरदस्ती का हरासमेंट कर रहा, पीछे जा रहा हूँ। नहीं मालूम कि वो विंडो है, बेवा है? हाँ, उन्होंने तो बेवा है सर, बेवा है, दामादा वाले उन्होंने, खाली पीली के हरासमेंट कर रहा हूँ, उनके पीछे फिर रहा, उनको बोले तो रोके। बाबा नगर में रहता मस्जिद साले इनके पास, नहीं वो कोई लीडरों के साथ रहता आगे टी आर एस के, हमको नहीं मालूम, सुनने में आया ऐसा कि कोई टीआरएस के लीडरों के साथ रहता हूँ बोल के मालूम हुआ। आप इससे पहले भी आप कंप्लेंट दिए? कोई पुलिस एक्शन? नहीं नहीं, कोई एक्शन नहीं, हम लोग कंप्लेंट लिख दिए, बुक हो गया बोले भिजा दे रहे, बस हम लोग लिख दिए कर दिए। नहीं, कल लेके जाते 10 मिनट में छोड़ देते। अभी इस वक्त पकड़े थे कुछ? पकड़े नहीं मालूम, अभी कुछ नाम अभी मालूम नहीं, पकड़े गया नहीं गया अभी कुछ नहीं मालूम, कहाँ है इस वक्त नहीं मालूम। आप कौन होना? मैं किसको? लेडीज का कौन? मैं देवर हूँ जी। आपको पता नहीं है कि ये वजह क्या हो सकती है? नहीं नहीं मालूम। जब आपको सतारा जो बोल रहे हैं आप, क्या जी कुछ हरासमेंट? मैं ऐसे सुनने में आया हरासमेंट कर रहा, पीछे जा रहा, जैसा कि
बोलते ना कुछ ऐसा, शादी हुई तो नहीं हुई उसकी, ऐसा कुछ ऐसा हरासमेंट कर रहा, जैसा कि उनके भाई का इंतकाल हो गया, हो सकता है जैसा जैसा कैसे उनको पीछे पड़ा होगा, हो सकता है ऐसा कुछ दिख रहा है मेरे को। अभी क्या कंडीशन? अभी अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे हैं, डॉक्टर से वगैरह तो देख रहे हैं, अभी तो सीरियस में है, तड़प रहे हैं बहुत, अभी बहुत बुरा हाल है, टूटी का निकट गया पूरा। कैसा हुआ से नहीं मालूम, कत्ते से मारा बोल के मालूम हुआ। अभी पैदल था वो लेडी? हाँ, लेडीज़ तो पैदल ला रहे थे, जो उन्हें गाड़ी पे था बोल के सुनने में आया। साथ में कोई नहीं थे लेडी? नहीं कोई नहीं था, कुछ काम से बाहर निकले थे मोटर गने, उस वक्त हमला हो गया। मतलब कुछ जॉब वगैरह करते क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं, उन्होंने खुद कारोबार संभालते हैं मेरे भाई का, हम लोग का जो कारोबार है। हो सकता कारोबार का कोई टेंशन वगैरह है? नहीं नहीं कुछ भी नहीं, कारोबार नहीं, कारोबार के ताल्लुक से कोई टेंशन नहीं, नहीं नहीं कारोबार के ताल्लुक से नहीं है, कुछ ज़बरदस्ती का हरासमेंट कर रहा था, छेड़म छाड़ी कर रहा था, इससे बार घर में भी घुस गया था, एक बार तो हम लोग कंप्लेंट कराए, इससे पहले बच्चों को भी मारा तो कंप्लेंट कराए, कोई एक्शन नहीं है पुलिस का, और उन्हें कंप्लेंट करा तो हमको ले आके बुक कर दिए, पीटी केस में बुक करके हम लोग को भेजा दिए, फिर हम लोग वहाँ से चालान वगैरह चालान भर के आ गए।